आपके पास भी राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आया है क्या? अदालत का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा गए। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लिया है, आप उस लोन को अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बैंक आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एक नोटिस भेजता है। ये नोटिस बाय पोस्ट भी आ सकता है, आपको एसएमएस में भी आ सकता है, चाहे आपको बाय कोई भी यहाँ पे फोन पे मैसेज पे व्हाट्सएप पे जानकारी दे दीजिए। ये अलग अलग माध्यम है जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत कब लगेगा, कहाँ पे लगेगा, आपको कहाँ पर जाना है, इसकी सूचना दी जाती है। पर जैसे ही राष्ट्रीय लोक अदालत का लोग नाम सुनते हैं, बेसिकली जब अदालत का नाम सुनते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि वो किस कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए। अब वकील का खर्चा, अब कोर्ट जाएंगे तो कहीं उन्हें जेल तो जाना नहीं पड़ सकता, अगर कोर्ट ना जाए तो भी जेल जाना पड़ सकता है। ये बहुत तरह के सवाल हैं जो यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं, और इन सभी सवालों के जवाब के लिए ही आज का वीडियो है। क्योंकि 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन होने वाला है जो कि आपके तहसील में लगेगा। उससे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में आप कैसे अपने लोन को ज़्यादातर माफ़ करा पाओगे, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से हिट मी 05 के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर का तकरीबन 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर का 3 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लोक अदालत के माध्यम से माफ करवाया है, सेटलमेंट करवाया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदे पहुंचाए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ बातों का ध्यान रखा और उनको ये ज्यादातर फायदा हुआ। हाँ, हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझसे पर्सनली मेरे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है उसके थ्रू उन्होंने बात किया, पर बहुत सारे लोग तो इसे वीडियो देख के ही उनको फायदा हुआ था। आप भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो, तो अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो यार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आता है तो नोटिस को ध्यान से पढ़ें। बैंक ने आपसे कितना पैसा मांगा, बैंक ने आपसे ज्यादा तो पैसा नहीं मांग लिया, बैंक कितने पे सेटलमेंट करना चाहता है, जो सेटलमेंट अमाउंट उन्होंने आपको प्रपोज किया है वो अमाउंट आपके लिए सही है या इसमें से और कम करवाना चाहते हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं कुछ पैसे कम है या आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो वहां पे लोक अदालत जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोक अदालत जाते हैं तो वहां पे जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको मैनिपुलेट करेंगे और इधर उधर के पेपर पे साइन करवा लेंगे, और उसके बाद फ्यूचर में कभी भी राष्ट्रीय लोक अदालत से अपने लोन को माफ कराने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, एक सपोज के लिए हम आपको बताते हैं कि आपका 9 लाख का लोन था, उसमें से कुछ पैसे भरे, आपको पता है कि 5 से 6 लाख रुपए मुझे और देने हैं, बैंक ने यहाँ पे अप्रोच किया कि 4 लाख रुपए चाहिए पर आपके पास अभी 3 लाख है, तो उस केस में जाइए, उस केस में बार्गेनिंग कीजिए, वहां पे आप बताइए कि मेरे पास इतने पैसे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत एक समझौता केंद्र है जहां पे दोनों पक्षों, बैंक का पक्ष और एक आपका पक्ष, दोनों को सहमत होना पड़ेगा एक अमाउंट पे। अगर मान लीजिए बैंक बोल रहा है नहीं मुझे 6 लाख चाहिए, आप बोले बस 3 ही लाख है, जब दोनों में एक समझौता पे मान लीजिए 4 लाख पे सहमति मिल गया, तो 4 लाख पे सहमति मिलते ही अगर आपने पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा, आपको साथी के एनओसी भी जारी कर दिया जाएगा और भविष्य में बैंक आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे उसके लिए लोक अदालत ये आश्वस्त करती है कि बैंक भविष्य में कभी भी आप पे कोई भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता। जब राष्ट्रीय लोक अदालत का आदेश हो जाता है तो बैंक उसके बाद भविष्य में किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता, उसके हाथों में हथकड़ी लग जाती है, इस बात का फायदा होता है। अगर मान लीजिए आपके पास जो पैसे हैं उसमें से कुछ ऐसे अमाउंट पे डील हुआ जहां पे आपके पास कुछ कम पैसे हैं, तो वहां पर देखा गया है कि 6-6 महीने तक का ईएमआई ऑप्शन मिलता है और उसके बाद बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है जिसके तहत जब आप पैसे दे दोगे तो बैंक को इतने दिन में आपको एनओसी जारी करना है। क्योंकि जब आप बैंक से यहाँ पे सेटलमेंट कराते हो ना, तो सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिली है कि बैंक यहाँ पे सेटलमेंट तो करता नहीं, ऊपर से एनओसी जारी नहीं करता, और उसके बाद में पता चलता है कि रिकवरी एजेंट, अलग अलग लीगल प्रॉब्लम कस्टमर को जिंदगी भर देखने को मिलते हैं। मेरे तकरीबन मैं बता रहा हूं कि 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने लोक अदालत में भेजा है, लोक अदालत में असिस्ट किया है, उनमें से ज्यादातर 90% लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, वो छोटे से स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, उनका सारा काम हो गया। तो यहाँ पे लोक अदालत में नर्वस ना हो, जब लोक अदालत का नोटिस आता है तो उसी लोग को जाना है जिनके नाम पे नोटिस इशू हुआ है, लोक अदालत जाए, कभी भी बैंक का जो वहां पे कैंप लगा रहता है वहां पे नहीं जाए, क्योंकि बैंक वाले आपको डराएंगे कि
ये लोग नहीं करेंगे सेटलमेंट, सेटलमेंट हम करेंगे, पर वो आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो और बाद में वो लोक अदालत में सबमिट करें कि हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इतने पे सेटलमेंट होगा, और उसके बाद कभी भी आपको लोक अदालत का नोटिस नहीं मिलेगा और आप जीवन भर ये परेशानी आपको घेरे रहेगी, क्योंकि जीवन में बार बार आपको बैंक परेशान करेगा लोन पे और आप कहीं शिकायत तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत के नोटिस के बाद जजमेंट जो होता है उसके बाद कहीं भी इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके बाद आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा, समझिएगा। तो उससे पहले कि आपके साथ भी ये हो जाए तो हमें सारी जानकारी रखनी चाहिए। अगर वीडियो में कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आया है या आने वाला है, उसकी विशेष में बहुत समस्या है, अगर हमसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है, ये पेड सर्विस है, अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे बात कर पाओगे। अन्यथा वीडियो में जो भी जानकारी अच्छी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।